यहाँ की सड़क को बनाने का सिलसिला एक बार फिर दोबारा शुरू कर दिया गया है। यानी कि 15 से 20 दिन से हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर रोड बनाने का सिलसिला इस वक्त जारी है। के फाटक को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ ये काला बोर्ड और मली पन्ना की तरफ ये सड़क जाती है। इस सड़क अस्सलामुअलैकुम जुबा डिस्कवर में खुश आमदीद। इस वक्त आप देखें कि मैं मलिर के इलाके में मौजूद हूँ, मलिर हाट की साइड पर मेन रोड पर। यहाँ से KCR का ट्रैक भी गुज़रता है। गुज़रता रोज बारिशों के बाद इस सड़क की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत थी, जिसके बाद यहाँ की सड़क को बनाने का सिलसिला एक बार फिर दोबारा शुरू कर दिया गया है। इस सड़क पर आप देखें कि इस वक्त रोड कारपेंटिंग का अमल यहाँ पर जारी है। जो गुज़रता रोज हमने बारिशों के बाद यहाँ पर जो देखा, खस्ता हाल सड़कें होने के बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हादसात का भी शिकार जो हमारी कराची की आवाम है वो हो रही थी। इसके साथ बहुत सारे जो ट्रैक के साइड पर बहुत सारे हादसात ऐसे भी हुए थे जहाँ पर गाड़ियाँ गिर गई थी, मोटरसाइकिलें जो काफ़ी ज़्यादा स्लिप हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से KMC रोड बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, कराची के जो एडमिनिस्ट्रेटर है मुर्तज़ा आवाज़ साहब, वो काफ़ी ज़्यादा जो कराची की सड़कों पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि गुज़रता कई रोज़ से, यानी कि 15 से 20 दिन से हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर रोड बनाने का सिलसिला इस वक्त जारी है। हमने कराची की हर वो स्ट्रीट देखी जहाँ पर बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का सड़कें शिकार थी, लेकिन अब कोरंगी की साइड पर भी हमें काम होते हुए नज़र आ रहा है, जिसके बाद अब हमें लांडी और मलिर की साइड पर भी काफ़ी तेज़ी के साथ काम होते हुए नज़र आ रहा है। इस वक्त अब देखिए मशीनों की भारी तादाद मौजूद है जहां पर इस वक्त सड़क बनाने के लिए काम को इस वक्त काफ़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। इस वक्त देखें कि आधी सड़क पहले बना चुके हैं, अब आधी सड़क दोबारा बनाने का काम जो है दोबारा किया जा रहा है, लेकिन आधी इसलिए बना रहे हैं ताकि यहाँ पर जो चलने वाली ट्रैफिक है उसको किसी किस्म का परेशानी का सामना ना हो सके, इसके लिए यहाँ पर काम को प्रॉपर तरीके के साथ प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। तो मज़ीद हमारे साथ रहिए, हम आपको पूरे काम की जो यहाँ की प्रोसेस है वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। इस वक्त ये मलिर हाट की सड़क है और रूरल मशीन जो इस वक्त रोड की जो प्रोसेस का जो अमल है उसको मुकम्मल कर रही है। इस वक्त देखें रोड को बनाया जा रहा है यहाँ पर, जो पूरे फाटक से होते हुए तकरीबन 500 मीटर की दूरी तक के इस सड़क को पूरा मुकम्मल बनाया जा रहा है। इससे पहले भी इस सड़क को बनाया गया है, तकरीबन एक बार पहले भी बनाया गया था जब पिछली बारिशें हुई थी, लेकिन इस बारिशों के बाद दोबारा इस सड़क को बनाया जा रहा है। इस वक्त रूरल मशीन रोड की कारपेंटरी के बाद यहाँ पर रोड को लेवल करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखें कि इस वक्त यहाँ पर रोड के लिए करज बिछा दिया गया है और करज बिछाने की मशीन भी आगे आपको काम करते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर काम वैसे हो किस तरीके से रहा है। थोड़ा सा मेरा गला जो है थोड़ा ख़राब है, जिसकी वजह से मुझे बात करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो ये अब देखें कि करश की जो मशीन है वो इस वक्त रोड की कारपेंटिंग के लिए करश को बिछाया जा रहा है, और किस तरीके से बिछाया जा रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर डंपर मशीन इस मशीन के साथ अटैच होती है, जिसके बाद रोड के लिए जो करश बिछाने का प्रोसेस है उसको शुरू किया जाता है। अब देखें इस वक्त
के डंपर मशीन से जो क्रश निकल रहा है वो इस लेवल मशीन के ज़रिए यहाँ से प्रोसेस होते हुए ये आगे की तरफ जो बिछा रही है मशीन क्रश को, ये आप देखें। ये मलीरहाट की सड़क है, जो मलीरहाट का जो मोड़ है वहाँ से अगर आप थोड़ी सी आगे की तरफ आएंगे तो ये रेलवे ट्रैक को के फाटक को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ ये काला बोर्ड और मली पन्ना की तरफ ये सड़क जाती है। इस सड़क के ऊपर रोड की कारपेंटिंग का अमल ज़रूरी था, क्योंकि गुज़रता रोज़ बारिशों के बाद हमने जो यहाँ की सूरत हाल देखी, अगर आप मेरी पिछली वीडियो अगर उठा के देखें तो आपको यहाँ की जो मुकम्मल सूरत हाल है वो आप लोगों को मेरी बारिश वाली अपडेट की वीडियो में मिलेगी कि यहाँ पर किस तरीके से हादसात होते हुए हमें नज़र आए थे। लेकिन अब यहाँ पर रोड डालने का जो अमल है उसको किया जा रहा है, रोड बनाया जा रहा है यहाँ पर, बल्कि यहाँ नहीं कराची की हर उस सड़क को बनाया जा रहा है जहाँ पर इस वक्त खस्ताहाली का शिकार है, क्योंकि बहुत सी कुछ सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर इस वक्त ताकीद का शिकार है। कुछ ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर अभी तक काम को शुरू नहीं किया गया, बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर सेवरेज के निज़ाम को बेहतर नहीं किया गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी सड़कें हैं जहाँ पर कारपेंटिंग का अमल काफ़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। इस वक्त इसी तरीके से एक सड़क ये भी है जो मलीरहाट की साइट पर है, यहाँ पर खस्ताहाल सड़क को दोबारा एक नए सिरे से बनाया जा रहा है। इससे पहले जो शमा शॉपिंग सेंटर का रोड था उसको भी बनाया गया था, जाने वाला रोड बन गया था, लेकिन आने वाले रोड पर अभी तक काम को शुरू नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले टाइम पर उम्मीद कर सकते हैं कि तमाम तर काम को शुरू किया जाएगा। इस वक्त 500 मीटर तक के ये रोड को बनाया जा रहा है जो यहाँ से मलीरहाट से शुरू होता है और तकरीबन काला बोर्ड तक जाता है। मैं कोशिश करूँगा आपको कि मोटरसाइकिल की मदद से भी मैं आप लोगों को सड़क को दिखा सकूँ। तो इस वक्त देखें रोड जो बन रहा है उसको मैं मोटरसाइकिल की मदद से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कितना लंबा रूट बन रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर देखें कि मशीनें काम कर रही हैं, दो रूरल मशीनें काम कर रही हैं, एक क्रश को बिछाने के लिए मशीन वो काम कर रही है। इसके साथ मैंने अभी वीडियो में ये ज़िक्र किया था कि रेलवे ट्रैक का जो फाटक है, ये फाटक था, और इसके साथ ये यहाँ से ये ट्रैक है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हादसा का जो शिकार है वो यहाँ पर होता था ज़्यादातर। और अब ये देखें, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर अब नए सिरे से सड़कें बन रही हैं, और ये देखें ये सड़कें यहाँ तक इस वक्त डाली गई हैं, ये देखें यहाँ तक ये सड़कें बिछा दी गई हैं, लेकिन ये सड़क यहाँ से तकरीबन कहाँ तक डाली जाएंगी ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये देखें कि ये मलीरहाट का जो ब्रिज है, ब्रिज जहाँ पर ख़त्म होता है ये वहाँ तक 500 मीटर का जो रोड है इसको मुकम्मल किया जा रहा है। ये देखें यहाँ तक इस ब्रिज को बिछाया जाएगा। तो ये कराची की कुछ ऐसी खस्ताहाल सड़कें हैं जहाँ पर रोड डालने का जो अमल है वो काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है, मुख्तलिफ जगहों पर भी काम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें, मिलते हैं किसी और न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।